देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ। चुनाव होता है, और बहुत हमने ज़ोरदार ढंग से चुनाव लड़ने का प्रयत्न किया किया भी है और लड़ा भी है, लेकिन चुनाव के परिणाम जिस तरह से आए हैं और वो सबके सामने हैं, सीटों का अंतर थोड़ा जरूर है, लेकिन उसके बाद अगर हम वोट शेयर की अगर बात कहें तो 1% से भी, 1% से भी कम मत से हम ये चुनाव हारे हैं, और जो कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार सबसे कम वोट शेयर जो है वो से कोई पार्टी जीती है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में जो जनादेश आता है उसका सम्मान है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ, और मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि अब कांग्रेस पार्टी जल्दी से अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तय करे, शपथ करवाए और प्रदेश के विकास को गति दे, और प्रदेश की योजनाएं जो जनहित में चलाई गई हैं प्रदेश के द्वारा, केंद्र के द्वारा, उनको आगे बढ़ाए। सर, पहले देखा जाता था, जब आप रिवाज की बात करते थे कि रिवाज बदलेगा, पहले देखा जाता था कि वन साइडेड विन होती थी, इस बारी वो नहीं हुआ। रिवाज भले ही नहीं बदला पर वन साइडेड विन नहीं हुई है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसमें सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि ये पहली बार इतना हुआ कि इतने नजदीक का संघर्ष हुआ, 60 वोट से चुनाव की हार जीत, 100 वोटों से, 150 वोटों से, ये अंतर रहा। लगभग 1,000 से कम वोटों से सीटें हारने वाली जीतने वाली जो है उनका नंबर 10-12 सीटें ऐसी हैं। तो इसलिए इस बात को हमको समझना होगा कि बहुत नजदीकी का मामला था इस बार, और इस बार कंपटीशन हुआ बहुत रोचक हुआ है, लेकिन फिर भी कांग्रेस से उसमें सफल हुई है जीतने में। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अब अपने किए हुए वादों के मुताबिक वो काम करना शुरू करे, और हिमाचल प्रदेश की जनता की जो अपेक्षाएं उनसे हैं, जिनको उनने जाहिर किया है हम करेंगे, तो उनको पूरा करें। आखिरी सवाल सर, क्या आपको लगता है जो कार्य आपने शुरू किए या जो कार्य आपको आगे अगले टर्म के लिए आप सोच रहे थे, चाहे वो बल्क फार्म, ड्रग पार्क हो या बाकी और अन्य चीजें हो, उसको देखो, कांग्रेस जहां केंद्र सरकार की योजना है उनको तो आगे बढ़ाना चाहिए। बल्क ड्रग फार्मा पार्क एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हिमाचल के लिए, मेडिकल डिवाइस पार्क बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसके अलावा जो भी केंद्र सरकार की योजना है उनको भी चलाना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि काम करने का तरीका हम उनका देखेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जो योजनाएं उनने चलाई है, हमने तो कोई योजना उनकी बंद नहीं की, जबकि उनकी कोई योजना ऐसी थी नहीं जिसको बंद करने की जरूरत पड़ती, लेकिन हमने जिन योजनाओं की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश में, उन योजना को मैं उम्मीद करता हूं उनको चलाते रहेंगे। हसी बपारी बारा, हसी बसंसार, भाबरे भाबरे भागवत, भाबरे भाब भागवत, 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 भागवत। प्रतिदिन सकाळ 6 टारे।